देखा जाए तो 50 से 60 वर्ष पूर्व जैसे लोग रहते थे उस तरह से यहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई। हाय, मेरा नाम गुंजन है और मैं जयपुर से हूँ। देसी लोग जहाँ पे एक अच्छा जो देसी खाट पाट है उसके लिए आप यहाँ पे आइए। खाना पीना रहना और उसका पूरा आनंद लें। ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन के अंदर हमारे पाली की टीम यहाँ पर आई थी। दो दिवस के इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि इस फाउंडेशन के अंदर जिस प्रकार से पशुपालन का हमने देखा है, कृषि जो की जाती है, जैविक खेती की जाती है, इसके साथ ही यहाँ रहने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था पारंपरिक तरीके से जो पूर्व आज से लगभग देखा जाए तो 50 से 60 वर्ष पूर्व जैसे लोग रहते थे उस तरह से यहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। पुराने जमाने के आधार पर बहुत शानदार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। स्विमिंग पूल का यहाँ पर हमने आनंद लिया है। हमारे पाली की लगभग 11 लोगों की टीम जो है यहाँ पर आई है और हम सब ने दो दिन तक काफी आनंद लिया है। देसी खाना जो है यहाँ पर हमें मिला है। गांव की संस्कृति को इन्होंने इस जयपुर के आमेर के पास में बने हुए इस फाउंडेशन के अंदर लाकर के जो दर्शाया है, कृषि के क्षेत्र में कहे या गांव की संस्कृति को कहे, इन्होंने इस जगह पर जो है दर्शाने का प्रयास किया है। मैं इस पूरी फाउंडेशन की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।